कत्ल केस में कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी को जारी नैब नोटिसेस को खिलाफ कानून करार दे दिया। इमरान खान और अहलिया को भेजे गए पहले नोटिसेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला जारी कर दिया। इमरान खान और बुशरा बीबी ने तलबी के नैब नोटिसेस को चैलेंज किया था। अदलिया से इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ आज शाम रैलियां निकालेगी। लाहौर में रैली की मशरूत इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद इंतजामिया का इजाजत देने से इनकार। दफा 144 नाफिस। इमरान खान की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और चीनी वजीर खारजा चिंगकॉन की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान सैफरीकी इजलास आज होगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गौर किया जाएगा। भूषण यादव एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया का नेवी कमांडर है वो पाकिस्तान में पकड़ा जाता है तो क्या दिस इज अ स्टेट एक्टर? डू यू नॉट सी अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एक्टर एंड अ नॉन स्टेट एक्टर? भारत को बताना पड़ेगा पाकिस्तान में इसका नेवी कमांडर क्या कर रहा था। कुलभूषण एक जीता जागता सबूत है। अगर वो भारतीय नहीं था तो भारतीय हुकूमत इसका दिफा क्यों कर रही है? वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने इंडिया टुडे के मेजबान को आईना दिखा दिया। कहा पाकिस्तान में मुंबई हमलों के मुलजिमान के खिलाफ अदालती कार्रवाई जारी है जबकि सानहा समझौता एक्सप्रेस के मुलजिमान को बरी कर दिया गया। कश्मीर के उसूली मौकिफ पर कोई तब्दीली नहीं आई। अगस्त 2019 का फैसला वापस होने तक भारत से बात नहीं होगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोवा में शंघाई कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार ना बनाएं। सहाफी गुफ्तगू में कहा भारत को माहौल को साजगार करना होगा। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए सबको मिलकर काम। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तन्हा करने के चाल में नाकामी के बाद भारत ने मेजबानी के तमाम आदाब भी हवा में उड़ा दिए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने इंतहाई सर्द और फीका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान भारत वजरा खारजा खामोश रहे सिर्फ अलामती मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। बिलावल भुट्टो भारत से तजलील के सिवा क्या लेकर आए? शर्मिंदा करने के अलावा क्या हासिल किया? कहा भारतीय वुजरा ने सिर्फ पाकिस्तानी वजीरों को शर्मिंदा किया। पीटीआई ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान की शिरकत पर तनाजे खड़ा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं क्योंकि इमरान नियाजी की खारजा पॉलिसी के मफादात को नुकसान पहुंचाने समेत हर चीज खेल है। कलदम जीटीपी के जेली ग्रुप कमांडर्स की हलाकतें मामूल बन गई। अफगानिस्तान के शहर होस्त कन्नड़ और दीकर इलाकों में जमातुल अहरार और टीटीपी के दरमियान फसाद अहम दहशतगर्द। मारे जाने वालों में साजिद उम्र मलंग कमांडर जाकिर तारिक उर्फ वली हाशिम उर्फ साजिद उस्मानी उर्फ मुस्लिम रहमान उर्फ गुलबाबा और यूसुफ शामिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सीटीडी का ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद हैंड ग्रेनेड और दीकर सामान बरामद मुकदमा दर्ज। नॉर्थ कराची में डकैती मुजाहमत पुलिस एहलकार कत्ल। महमूदाबाद में रेंजर्स और पुलिस ने दो डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया असलहा बरामद। रावलपिंडी में मामूली तल्ख कलामी पर गोलियां और छुरियां चल गईं। एक शख्स हलाक और 7 अफराद जख्मी। फायरिंग से एसपी भी जख्मी। दो मुलजिमान गिरफ्तार।
برطانوی بادشاہ چارلز کی تاج پوشی تقریب سپہر 3 بجے ویسٹ منسٹر ایبی میں ہوگی. مختلف ممالک کے سربراہان اور وزیراعظم شہباز شریف شرکت کریں گے. شہباز شریف کی بادشاہ چارلز، وزیراعظم رشی سونک اور سیکرٹری جنرل دولت مشترکہ سے ملاقات، مل کر کام کرنے کا عزم. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے بارہمولہ اور راجوڑی میں جعلی مقابلوں میں مزید 2 کشمیری جوانوں کو شہید کر دیا. نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران متعدد نوجوان بھی گرفتار. امریکی خاتون رکن کانگریس نے اسرائیل کی امداد پر پابندی کا بل پیش کر دیا. بل میں کہا گیا کہ فلسطینی بچوں کو حراست میں رکھنے پر امریکی امداد پر پابندی لگائی جائے. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں شدید بارش، سلابی ریلے اور آسمانی بجلی گرنے سے 4 افراد جان بحق اور 12 زخمی. باغات اور فصلوں کو نقصان پہنچا. چمن میں ریت کے طوفان سے دن میں رات کا سندھ کے بالا علاقوں میں بادل برس پڑے. کراچی میں آج سے درجہ حرارت میں اضافے کی پیش گوئی.